होली के मौके पर बाजार भी रंग बिरंगा नजर आता है। होली का त्यौहार है और हर तरफ बाजारों में तरह तरह के रंग मिल रहे हैं। अगर आप भी होली खेलने के लिए रंग खरीदने जा रहे हैं तो आपको असली और नकली रंगों के बारे में पता होना चाहिए। होली पर मिलावटी चीजों का बाजार भी गर्म होता है, ऐसे में थोड़ी लापरवाही और सस्ते सामान की तरफ आकर्षित होना भारी पड़ सकता है। दुकानदार मिलावटी रंगों की भी बिक्री करते हैं। मिलावटी रंग सस्ती सामग्री से बनते हैं। मिलावटी गुलाल में डीजल, इंजन ऑयल, कॉर्पोरेट सल्फेट और सीसे जैसी हानिकारक पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है। आइए हम जानते हैं कि आखिर बाजार में मिलने वाले कौन से कलर असली हैं और कौन से नकली। सबसे पहले हम बताते हैं कि कैसे आप इनको पता कर सकते हैं। पानी में रंग को घोलकर इसकी पहचान की जा सकती है। मार्केट से रंग लेने से पहले इसकी थोड़ी सी मात्रा पानी में डालें। अगर आसानी से रंग पानी में घुल जाए तो ये ऑर्गेनिक है या प्राकृतिक रंग हो सकता है। नकली या मिलावटी रंग पूरी तरह से पानी में नहीं घुलते। नंबर दो, ज्यादा चमकीले रंग भी प्राकृतिक नहीं होते। मार्केट में रंगों को खरीदते समय इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आप अधिक चमकीले रंगों को ना खरीदें। दरअसल रंगों में चमकीलापन लाने के लिए इसमें गिलास के पार्टिकल भी मिलाए जाते हैं। नंबर थ्री, बाजार में रंगों को खरीदते समय इस बात के निर्माण में उपयोग की गई सामग्रियों के बारे में भी जरूर पढ़ें। पैकेट में बिकने वाले रंगों को बनाने का इस्तेमाल की गई सामग्री के बारे में लेबल पर लिखा जाता है। नंबर चार, रंगों की महक से असली और नकली रंगों की पहचान कर सकते हैं। रंगों से अगर पेट्रोल या स्प्रिट की महक आ रही है तो ये मिलावटी रंग भी हो सकते हैं। ये तो थी नकली और असली गुलाल के बारे में जानकारी। अब हम आपको बताते हैं कि गुलाल आपके लिए किस तरह से नुकसानदेह साबित हो सकता है। पहले हम बात करते हैं काले रंग के गुलाल के बारे में। काले रंग के गुलाल में लेड ऑक्साइड होता है जो गुर्दों को प्रभावित करता है। वहीं हरे रंग के गुलाल में कॉपर सल्फेट होता है जो आँखों को नुकसान पहुंचा सकता है। चमकीले रंग के गुलाल से ज्यादा परहेज करें क्योंकि इसमें एल्युमिनियम ब्रोमाइड होता है। नीले रंग के गुलाल में प्रोब्यूशन ब्लू होता है जो त्वचा को प्रभावित करता है और संक्रमण पैदा कर सकता है। वहीं लाल गुलाब में मरकरी सल्फाइड पाया जाता है जो स्किन कैंसर की संभावना को दुगना कर सकता है। सूखे गुलाल में एस्बेस्टर या सिलिका होता है जिसमें अस्थमा, त्वचा में संक्रमण और आंखों में जलन जैसी समस्या हो सकती है। वहीं नीले रंग के गुलाल में जेनिशियल वॉयलेट होता है जो स्किन टोन पर असर डालता है। होली खेलने के लिए आप हर्बल रंगों या फ्लेवर्ड रंगों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रंग पूरी तरह से सुरक्षित होते हैं, साथ ही इनके प्रयोग से किसी तरह की कोई समस्या नहीं होती। अब आप समझ गए होंगे कि कैसे आप बाजार में नकली और असली गुलाल की पहचान कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए समाचार सिटी 24 के साथ।